So hey guys, my name is Ayu. Welcome to Parki iSpeak. So guys, today I'm going to teach you how to make sticky notes. So guys, today I'm going to teach you how to make two ways to sticky notes. So let's begin. So guys, here I have some sheets of papers. And now let's take one ball. Let's take a ball and a cotton ball and oil, coconut oil. So we'll just pour some coconut oil in the bowl. And now take the cotton ball and just dip it a bit inside. Now put it on the paper, slowly, slowly. Just take some and just put it. It dries up very quickly, guys. You can see. So, guys, this is done. Now we'll take a tissue paper. We'll just take out the extra oil by pressing it. And guys, we'll do it the other side also. Now guys, we are done like this. We'll let it dry and do the rest of the papers also. तो guys, ये मैंने अभी ये black वाली भी कर दी है अच्छे से. अब मैं करती हूँ green वाली. Oil ले लेते हैं. गाइस, आप कोकोनट ऑयल ही लेना, उससे अच्छा होता है. ऐसा मैंने वीडियो में देखा था, तो हो सकता है अच्छा. गाइस, अब मैंने ग्रीन वाला भी कर दिया और येलो वाला बाकी है. और जो मैं बोल रही थी कि वीडियो से देखा है, वीडियो से मैंने देखा भी है और मैंने एक बार ट्राई भी किया है, तो वर्क करता है वो. तो इसलिए मैं यही वाली टेक्निक यूज कर रही हूँ. गाइज, इनमें से एक जो मेरा ऑरेंज वाला था वो अभी तक सूख गया है, तो अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाके कुछ करते हैं. ये मैंने ले ली एक पेंसिल और ले लिया है एक स्केल. अब स्केल से हम ना लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. ये देखिए, एक्स्ट्रा हो गया था तो इसको कर लेंगे. और जैसे कि वो स्टिकी नोट्स में होते हैं ना, पतले पतले छोटे छोटे, वो ड्रॉ कर लेंगे. आप यू कैन इवन नाप के भी कर सकते हो, पर मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ. जितना लंबा चाहिए आप रख सकते हो. गाइस, इधर भी एक्स्ट्रा बच गया है, उसको भी मैं ऐसे कर लेंगे. और इस साइड भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको भी हम बंद. तो अब हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन ऐसी कि वो सब एक ही उसमें हो. तो गाइस, ये देखिए, ऐसा ये मैंने ड्रॉ कर दिया है. अब इनके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको इरेज करना है तो कर लीजिए, मैं तो नहीं करूँगी. तो अभी हम इनको कट कर लेते हैं. जो मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ही इनको कट कर लेना है. मैं आपको दिखाती हूँ जब ये अच्छे से कट हो गया है.
अभी तो ये मैं तो गाइज ये मैंने सारे कट्स कट कर लिए हैं सबको। अब ये मेरे पास है पिंस, बाइंडर क्लिप है ये मेरे पास, तो अब इनको लगा लेंगे इस पे कि ये सिक्योर हो जाए। और ऐसे करके मैं सारे ही करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ सब गर्ल्स का फेवरेट कलर। तो गाइस कमेंट करके बताओ, गेस करो कौन सा कलर है। मैं आपको 5 सेकंड्स देती हूँ, गेस करके कमेंट में लिखना। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। तो गाइस गेस कर दिया, तो अब देखो ये है पिंक कलर, सब गर्ल्स का फेवरेट। तो गाइस अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो गाइज ये मैंने अभी के लिए 4 कलर्स बना लिए, और मैंने एक्चुअली 6 कलर्स के पेपर बनाए थे, बट अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं बस 4 ही बना रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये मैंने इसको पिन से ऐसे अटैच कर दिया था जैसे आपको दिखाया, और फिर सारे को एक एक करके लेना है। और ये क्लियर टेप चाहिए, और मतलब छोटा सा पीस चाहिए, और उसके ऊपर ये लगा देना है ऐसा करके, हाफ ही लगाना है, हाफ से भी थोड़ा कम। ये दिखाती हूँ मैं आपको गाइज, ये अभी थोड़ा सा ऑयली है तो वो चिपकेगा नहीं, बट जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, देखिए गाइज ऐसा कि ये पार्ट ना अभी भी स्टिकी है। तो ऐसे ही करके मैं सारे उसको ऐसे करना है। तो जब ये सारे हो गए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने कर लिए, अब जो ये स्टिकी वाला पार्ट है उसको एक टेबल या कोई भी थिंग पे ऐसे चिपका लो, और एक के ऊपर एक ऐसे चिपकाते जाओ। देखिए मैं इनके स्टिकी पार्ट लेके एक के ऊपर एक चिपकाती जा रही हूँ। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हम कट कर लेंगे सीजर से। ये लास्ट वन है, को निकाल के ये मैं जब सारे कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सारे कर रही हूँ मैं एक एक करके। सो गाइज ये सारे मैंने कर दिया, आप देख सकते हो। अब ये मैंने एक वाइट शीट ले ली है, उस पर जितना भी लाइक होता जितने भी साइज इनके थे वो मैंने लगा लिए। अब इनको करना है कट, इसको पहले मैं कर लेती हूँ कट। गाइज मैं कर रही हूँ अभी, गाइज अभी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए है कोई भी एक पेपर, तो मैं ये पर्पल वाला ले रही हूँ। अब इसको छोटे उसमें कट कर देना है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। और ये जो गाइज मैंने स्टिकी नोट्स बनाए हैं ये विदाउट ग्लू बनाया है। अब इसको मैं ऐसे करके चिपका देना है।
गाइस ये मैं करूंगी ग्लू से, नहीं तो फिर टेप से फिर हम उसके ऊपर कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो ये मैं ग्लू से कर ले रही हूँ। गाइस ये जब चिपक गया अच्छे से फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब हो गया इसका। तो गाइस ये मैंने लिख दिया है पेंसिल से, अब मैं इसको स्केच पेन से वापस से ट्रेस कर लूंगी। गाइस ये तो हो गया, अब मैं इसको अच्छे दिखने के लिए ये जो मार्कर है व्हाइट बोर्ड मार्कर उससे मैं आउटलाइन कर दूंगी कि वो प्यारा लगे। आप ब्लैक स्केच पेन से भी कर सकती हूँ, मैं ये व्हाइट बोर्ड मार्कर से कर रही हूँ, थोड़ा थिक वाला वो होता है इसलिए। ये देखिए गाइस बस होने वाला है। तो गाइस ये तो हो गया है, एकदम अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए होगी टू ए टेप, तो मैं लेके आती हूँ। तो गाइज यहाँ मैंने स्टिकी नोट्स के लिए ये वाले स्पेसेस बना लिए 6। तो अब मैं टू ए टेप से नहीं, मैं ना ग्लू से चिपका लूँगी, थोड़ा इजी होएगा। पहले हम चिपकाते हैं पिंक, लास्ट वाले को ग्लू से चिपका देंगे। दूसरे वाले के लिए ये 4 हो गए और दोनों मैं बाद में चिपका लूँगी। अब मेरे पास है ये क्यूट वाले स्टिकर्स और ये किटी और हेलो किटी वाले, बार्बी वाले और बटरफ्लाई वाले। तो पहले इधर लाइक एक जगह बाकी है, तो मैं इधर कोई अच्छा सा स्टिकर लगा देती हूँ। ये हेलो किटी वाला एक इधर लगा लेती हूँ और मैं बार्बी वाला भी लगाऊँगी। और गाइस कमेंट करके बताओ अगर आपने वो बारबी वाली न्यू मूवी देखी है, वो रिलीज़ हुई है, तो कमेंट करके बताना अगर आपने देखा है। डॉगी क्यूट सा। अब मेरे पास है ये स्टार वाले स्टिकर्स, तो इनको भी मैं कहीं कहीं लगा दूंगी, क्यूट दिखेगा। कैसे भी आप लगा सकते हो गाइस, ये मैं लगा रही हूँ कि वो अच्छे से डेकोरेट होके प्यारा लगे। गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है ना। और गाइस जो इसका सेकेंड वे है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो गाइस ये मैंने स्टिकर ऑलमोस्ट लगा दिए है सारे, देखिए पर्पल भी मैंने एक ही लगाया, तो दो लगा देते हैं पर्पल के। तो गाइस ये मस्त लग रहा है और ये दो जब लगेंगे और ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये जो दो मैं लगा के आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो मैं दूसरा स्टिकी नोट बना रही हूँ। तो गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है, बस इन दोनों को छोड़ के कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आपके पास और जगह है तो ये भी लगा सकते हो, बट मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। ये छोटी वाली फ्लावर लगा सकती हूँ मैं,
ओके भाग गया है। तो गाइज ये मेरी डायरी है जो मैंने बनाई थी, अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ कि ये वर्क करते हैं कि नहीं। तो गाइज मैं पहले ले लेती हूँ पिंक वाला, पिंक वाला ले लिया हमने, और अब इसको ऐसे चिपका सकते हैं सारे। मैं दिखा लेती हूँ गाइज, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये आप घर पे इजीली बना सकते हो। और अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो दूसरा पार्ट में मैं आपको विदाउट ऑयल वाला बनाना सिखाऊंगी। तो गाइज ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये ऐसे जैसे भी लगाओ बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर आप चाहो तो आप इधर रहकर मतलब कोई डिज़ाइन वाले भी बना सकते हो, मैंने इधर एकदम प्लेन वाले बनाए हैं। तो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज वेट फॉर द पार्ट 2। बाय गाइज।